हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। तो सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा 16th वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्टेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंस्टेंट इज़ अ वैल्यू और वेरिएबल। कंस्टेंट एक वैल्यू या वेरिएबल है दैट कांट बी चेंज्ड इन द प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम में चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 3.4, सी प्रोग्रामिंग etc। तो बेसिकली कंस्टेंट वह होता है कि आपने प्रोग्राम में अगर एक बार कोई वैल्यू डिक्लेयर कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में कंस्टेंट कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार की है कंस्टेंट के टाइप्स की। इंटीजर और डेसिमल कंस्टेंट, 10, 20 लाइक दिस। देन रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कंस्टेंट, तो इसमें हमारे पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं। देन ऑक्टल कंस्टेंट, देन ऑक्टल कंस्टेंट हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। देन हेक्साडेसिमल कंस्टेंट, तो हेक्साडेसिमल कांस्टेंट 0x से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद हम अपनी वैल्यू को लिखते हैं। देन करैक्टर कांस्टेंट, तो करैक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम डबल कोड के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली कांस्टेंट 4 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने सभी प्रकार के कॉन्स्टेंट को लिस्ट में मेंशन किया है। तो चलिए देखते हैं हम किसी वैल्यू या वेरिएबल को कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किसी वैल्यू या वेरिएबल को कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ हम कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें फ्लोट डेटा टाइप के अंदर पीआई वेरिएबल में 3.14 वैल्यू को स्टोर किया गया है, लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करने से ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई है, यानी कि अब इसको हम प्रोग्राम में आगे चेंज नहीं कर सकते। नाउ द वैल्यू ऑफ पीआई वेरिएबल कांट बी चेंज्ड। तो अब हम पीआई वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको इन सभी कॉन्स्टेंट का एक एग्जांपल दिखाऊंगा प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम ले लिया है जिसमें मैंने सभी प्रकार के कॉन्स्टेंट को मेंशन किया है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इंट और डेसिमल कॉन्स्टेंट, देन रियल कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और स्पेशल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर मैंने ऑक्टल कॉन्स्टेंट और हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट को भी मेंशन किया है। तो पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल को दी है वो हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो गई है। तो कॉन्स्टेंट कीवर्ड के थ्रू हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कुछ वैल्यू डालेंगे। मैंने ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर दी है। देन अब इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर डेटा टाइप का और उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है जिससे ये हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है। तो पहले मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई है जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो अब मैं ए की वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ कि चेंज होके प्रिंट हो जाएगी या नहीं। तो ए इज इक्वल टू 6 कर देंगे यहाँ पे। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन अब इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट हुई है, यानी कि अगर किसी डेटा टाइप के आगे आप कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है। तो अगर हम इंट के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने const कीवर्ड का यूज़ किया है, देन इसको सेव कर लेते हैं और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यानी कि रीड ओनली वेरिएबल ए, यानी हम ए वेरिएबल की वैल्यू को केवल रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप अब आप कॉन्स्टेंट के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दैट्स ऑल। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर विंडोज़ प्रॉब्लम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।